तो जो है ये हाइड्रोलिक कोफिशियंट है, सी डी सी वी सी 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 वी इक्वल टू एक्चुअली एक्चुअल वेलोसिटी बाय थ्योरेटिकल वेलोसिटी एरिया एक्चुअल बाय थ्योरेटिकल एरिया है ना, सी डी को क्यू एक्चुअल बट क्यू थ्योरेटिकल बोलते हैं, क्यू को तोड़ें तो ये ए एक्चुअल इंटू वी एक्चुअल लिख सकते हैं, इसको तोड़ें तो इसको ए थ्योरेटिकल इंटू वी थ्योरेटिकल लिख सकते हैं, ए एक्चुअल ए थ्योरेटिकल को जो है हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे थे, ये सी सी बोल रहे थे, अब वी एक्चुअल वी थ्योरेटिकल को हम सी वी बोल रहे थे, तो इसकी जगह सी सी इसकी जगह सी वी लिखा गया, सी डी इक्वल टू सी सी इंटू सी वी है ना, ये रिलेशन बन गया, ये ऑब्जेक्टिव खूब पूछता है, ये हम लोग को याद रखना चाहिए, ठीक है। ये हाइड्रोलिक कोफिशियंट है और इसके बीच में ये रिलेशन है। अब एक पार्ट आता है कि हाइड्रोलिक कोफिशियंट्स जो हैं उसको हम लोग लैब में निकालते कैसे हैं, एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन ऑफ हाइड्रोलिक कोफिशियंट कोफिशियंट ठीक है। तो ये कोई बड़ा चीज नहीं है, बहुत इजी चीज है, जैसे कोई कहीं भी जो है ना आपके मान लो कि ये यहाँ पे कोई ओरिफिस है ना, यहाँ पे कोई ओरिफिस है तो इससे पानी ऐसे फ्लूड जो है ऐसे करके निकल रहा है ना, पहले यहाँ पे तो एरिया छोटा हो जाता है, उसके बाद जो है ये ऐसे गिरना शुरू हो जाता है, मतलब है ना ऐसे गिर रहा है इधर, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक नीचे कोई ये जार होता है उसमें जो हम लोग इसका जो पानी गिर रहा है उसको जमा कर लेते हैं, है ना। इसका मान लो कि अपना एरिया कुछ होगा, ये एरिया होगा मान लो ये एरिया, और इसका अपना जो हाइट डी मीटर मान लो कि हाइट बढ़ जाता है टी टाइम के लिए, टी टाइम में टाइम इसको टू टी में टाइम इसको टू टी में इसका इतना बड़ा एरिया जो है डी हाइट बढ़ लेता है, तो इससे आपका एक्चुअल डिस्चार्ज क्या समझ में आया, इससे आपको क्यू एक्चुअल क्या होगा, डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है, क्यू एक्चुअल इक्वल टू हो जाएगा कि ये एरिया गुना ये डी, तो वॉल्यूम कितना हो गया, एरिया इंटू डी है ना, क्यू क्यू एक्चुअल क्या होगा कि वॉल्यूम एक्चुअल वॉल्यूम टाइम बाई टाइम, इसी को ना डिस्चार्ज बोलते हैं, वॉल्यूम बाई टाइम कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग पर टाइम होता है उसी को डिस्चार्ज बोलते हैं। एक्चुअली में हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया और उसमें देखा कि इतना वॉल्यूम जो है इतना बड़ा इसका पेदी रहा होगा एरिया रहा होगा और ये डी मीटर हाइट बढ़ गया इसका, एक सिलेंडर के शेप का हो ना गया, तो इसका इसका वॉल्यूम कितना जमा हुआ, एरिया इंटू डी के बराबर इसका वॉल्यूम जमा हुआ, और कितने टाइम के लिए टी टाइम में है ना, टी टाइम हम लोग स्टॉप वॉच ऑन किए हुए थे तो टी टाइम में इतना हो गया, इसका मतलब एक्चुअल जो डिस्चार्ज होगा वो इतना वॉल्यूम बाय टाइम है ना, तो वॉल्यूम में मान लो को एरिया गुना डी ये वॉल्यूम हुआ बाय टाइम टी, तो ये एक्चुअल क्यू हुआ है ना। थ्योरेटिकल क्यू क्या होता है, क्यू थ्योरेटिकल क्या होता है ना, वेलोसिटी जो है थ्योरेटिकल क्यू क्या होना था कि चाहिए एरिया इंटू थ्योरेटिकल वेलोसिटी, तो एरिया जो इसका एरिया होगा वो एरिया एरिया अब वी जो है थ्योरेटिकल वेलोसिटी कितना है √2gh है ना, तो ये जो हुआ ये एरिया गुना मतलब थ्योरेटिकल एरिया गुना थ्योरेटिकल वेलोसिटी जो कैलकुलेशन से आता है ये होगा थ्योरेटिकली इतना होना चाहिए, और एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट करके आप इतना लाए होगे, तो सी डी इक्वल टू हो जाएगा क्यू एक्चुअल डिवाइड बाई क्यू थ्योरेटिकल ही ना होता है, तो ऊपर वाला जो वैल्यू है ए इंटू डी बाई टाइम जो है ये आपका तो एक्चुअल हो गया डिवाइड बाई ये ए √2gh जो था ये थ्योरेटिकल हो गया, तो इस तरह से हम लोग का सी डी निकल जाएगा है ना। इसका सी वी निकालने के लिए थोड़ा सा जो है इसमें थोड़ा दिक्कत होता है, तो उसके लिए क्या है कि ये जो स्पेस में जो मोशन हो रहा है कि जिस स्पीड से ये निकल रहा है ना, जिस स्पीड से ये निकल रहा है तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह है कि पानी जो है फेंक रहा है, कोई ऐसे पानी फेंक रहा है वो जैसे कैसे ढेला फेंकते हो प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह मूव करते हो, उसी तरह यहाँ पानी जो है ऐसे निकलता है, कुछ देर तो ये हॉरिजॉन्टल रहता है उसके बाद ये गिरना शुरू होता है ना, तो प्रोजेक्टाइल मोशन वैसे कोई चीज़ प्रोजेक्ट कर दो तो फिर बाद में जाके वैसे गिरता है, तो ये उस मोशन की तरह है। तो हम लोग एक पॉइंट जो है यहाँ पे कोई पॉइंट पी चूज करते हैं जो यहाँ से एक्स दूरी पे हो और यहाँ से ऊपर से यहाँ से इससे ये वाई दूरी पे हो, इससे वाई डिस्टेंस पे हो, ठीक है। तो अगर जो यहाँ से निकला है जो वेलोसिटी उसका वी वेलोसिटी है तो ये एक्स इक्वल टू कितना होगा टी टाइम के बाद, एक्स इक्वल टू एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला जहाँ से सुने हो ना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, मतलब कोई कोई चीज़ जो है अगर एक्स दूरी ट्रेवल कर रहा है एस इक्वल टू एस एस जो है वो दूरी होता है, तो यहाँ पे एस की जब एक्स लिख रहे हैं तो ये फॉर्मूला लग सकता है ना, ये उसका ये इनिशियल स्पीड है ये टाइम है ये हाफ ए टी स्क्वायर है ना, ये एक्सेलेरेशन ये टाइम, तो इस एक्स डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड क्या था उसका, इनिशियल स्पीड वी था,
यू की जगह पे इनिशियल स्पीड वी लिख सकते हैं, वी इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एक्स डायरेक्शन में क्या कोई एक्सेलरेशन हो रहा है? एक बार जो वी स्पीड से निकला, कोई एक्सेलरेशन नहीं है इस डायरेक्शन में, कोई खींच नहीं रहा इस डायरेक्शन में ना, तो इस कोई एक्सेलरेशन नहीं, इसका एक्सेलरेशन जो हम लोग जीरो कर देते हैं, है ना, एक्सेलरेशन की जगह पे ये जीरो हो गया। तो एक्स इक्वल टू हम लोग को निकल के आ गया कि वी टी हो गया, तो एक्स इक्वल टू वी टी हो गया, तो हम लोग को यहाँ पे वी इक्वल टू निकल के आ गया कि एक्स बाई टी हो गया, ठीक है, वी इक्वल टू एक्स बाई टी हो गया। अब यही चीज हम वाई के लिए भी लगाते हैं कि वाई इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वाई के लिए भी लगाते हैं क्योंकि वाई जो है वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस है, फ्लो का डिस्टेंस है, तो उसके लिए यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हैं। तो वाई डायरेक्शन में कोई इनिशियल स्पीड था, यू क्या होता है इनिशियल स्पीड, नीचे वाले डायरेक्शन में इनिशियल कोई स्पीड नहीं था, इनिशियली एक्स डायरेक्शन स्पीड था, तो यहाँ पे ये यू टर्म जीरो हो जाएगा। और इस यहाँ पे एक्सेलेरेशन की जगह पे वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन है? हाँ है, क्योंकि ग्रेविटी तो उसको खींच रहा है ना, तो ग्रेविटी वाला एक्सेलेरेशन होगा, ये हाफ इंटू जी टी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो वाई इक्वल टू हो गया हाफ जी टी स्क्वायर, जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है वी इक्वल टू एक्स बाई टी है, तो यहाँ पे टी इक्वल टू भी लिख सकते हो एक्स बाई वी, है ना, ऐसा भी लिख सकते हो। तो वो चीज़ यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, तो ये यहाँ पे ये हो जाएगा हाफ इंटू टी के जगह पे एक्स बाई वी लिखा जाएगा, तो एक्स बाई वी का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और जी तो है ही है, जी छूट गया था ना, तो इसको हम सारे टर्म को इधर ले आते हैं, तो ये 2y/g = x²/v² हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ये 2y है बाई जी है, 2y/g = x²/v², तो वी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2y/g, है ना, ये चीज हो जाएगा, है ना, 2y/g x² / ठीक है, या कुछ उल्टा सीधा हुआ, y = ½gt² तो हाफ की जगह पर हाफ, जी की जगह पर इतना x² / v², तो यहाँ पे हम लोग एक्स वी इक्वल टू निकाल रहे हैं, तो ये जो हाफ जी इंटू x² / v², है ना, तो वी उधर ले जाएंगे, तो gx² / 2y होता है ना, ये चीज़ ऐसे है gx² / 2y, ठीक है। ये हो गया हम लोग का वी स्क्वायर इक्वल टू, तो वी इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा √gx² / 2y, gx² / 2y। तो ये वेलोसिटी क्या हुआ, ये कौन सा वेलोसिटी है, ये हुआ हम लोग का, ये हम लोग ये निकाल के लाए हैं, मतलब एक्चुअल में देखें कि ये इतना डायरेक्शन इधर फ्लो हो रहा है, उधर इतना फ्लो हो रहा है, तो ये जो है वी एक्चुअल है ना। तो सी सी वी इक्वल टू क्या होता है, वी एक्चुअल बटा वी थियोरिटिकल, है ना। तो ये एक्चुअल में आया gx² / 2y, और थ्योरेटिकल क्या होता है √2gx था, इस g से ये g कट जाएगा, है ना, तो ये आपका निकल के आएगा x² / ये 2 और ये 4 है, तो ये 4 × y × h, 4yh, है ना, x² / 4yh, ये निकल के आएगा, ये सी वी हो गया, जो भी कैलकुलेशन करके आएगा, तो सी वी इक्वल टू x² / 4yh हो गया। तो सी वी निकल गया हम लोग का, और ये सी डी भी निकल गया, है ना, सी वी निकल गया, सी डी निकल गया, तो सी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी इक्वल टू होता है सी वी इंटू सी सी, तो सी सी इक्वल टू हो जाएगा सी डी बाई सी वी। तो इतना इस पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस इसमें टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन सिलेबस में ये भी सेकंड लास्ट यूनिट जो है सातवां यूनिट हम लोग का, उसमें ये टॉपिक है ये सब, कि एक्सपेरिमेंटली कैसे निकालते हैं ये सारा टर्म। एक्सपेरिमेंट करने में क्या होता है, एक्चुअल में देखते हैं कि कितना यहाँ पर डिस्चार्ज जमा हो रहा है, तो डिस्चार्ज जो होता है वॉल्यूम बाई टाइम होता है, वॉल्यूम बाई टाइम कर लीजिए, तो ये एक्चुअल हुआ, थियोटिकल डिस्चार्ज होगा एरिया गुना वेलोसिटी एक्चुअल जो है, तो वो चीज मतलब थियोटिकल जो एरिया है, तो सी डी इक्वल टू क्यू एक्चुअल थियोटिकल कर दिए, तो ये चीज़ निकल गया, है ना। तो ये चीज़ हो गया, बाकी ये वेलोसिटी वाले चक्कर में है कि हम दो डायरेक्शन मानते हैं, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी का टर्म जानना है, दोनों में वो एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकालते हैं, उससे टाइम का रिलेशन एक्स और वाई में बन जाता है, वो हम लोग पुट कर देते हैं वाई वाले क्वेश्चन में, तो हम लोग का वेलोसिटी एक्स और वाई के टर्म में आ जाता है, ये वेलोसिटी जो हम लोग का एक्स और वाई के टर्म में आ गया। ये वेलोसिटी जो है ये एक्चुअल वेलोसिटी है, हम लोग जो है रियल टाइम में देख रहे हैं वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके कि ये एक्स डिस्टेंस ये वाई डिस्टेंस, है ना, तो ये वी एक्चुअल है, और वी थ्योरेटिकल जो है √2gx, तो हम लोग को पता ही है, इन दोनों का रेशियो कर देंगे तो हम लोग को सी वी निकल जाएगा, एक बार सी वी निकल गया, सी डी निकल गया, तो हम लोग का सी सी वी निकल जाएगा, सी डी बाई सी वी, है ना। तो होप ये समझ में आ गया होगा, बहुत दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगी, है ना।
ठीक, चलिए अब आगे बढ़े।